I am back again with my next video. The topic is CPR DD with Ignatia Natramurenstack. So you can see now the guest beside me is Dr. Jigna Puniani, the fastest growing HHFN from Nagpur. So welcome, Dr. Jigna. Thank you so much, sir. I sincerely thank Mithun sir for calling me here. It's a great honor shooting with such a YouTube star. So we will try to make and compare medicine and give whatever we have with us and share our knowledge. So thank you, Jigna. So aaj hum padhenge CPR. So सीपीआर का बेसिक नेचर कैसा होता है उससे हम स्टार्ट करेंगे, उसके बाद केसेस लेंगे और डिफरेंशिएशन नेक्स्ट वीडियो में आएगा, इसके पार्ट टू में. ओके, सो केसेस के थ्रू ज्यादा समझेंगे हम सीपीआर को. तो सीपीआर हमें बहुत सारे फैसेट्स में मिलती है मटेरिया मेडिका में. दिस इज अ वेल नोन, क्या बोलेंगे हम, ड्रग, जो कि एक ड्रग पिक्चर में है. हमने कॉलेज टाइम में बहुत अच्छे से पढ़ी है द पॉलीक्रेस्ट और इसके बहुत सारे फैसेट्स हैं. ओके, सो हम हर एक फैसेट देखेंगे, उसके हिसाब से केसेस देखेंगे, सीपीआर चाइल्ड का भी केस देखेंगे. ओके, सो हम लोग रेमेडीज को जेंडर के हिसाब से डिवाइड करते हैं, इग्नेशिया, नेट्रोम्यूर, सीपीआर, एंड दीज आर कॉल्ड एज पॉलीक्रेस्ट रेमेडीज. मतलब दीज आर हैविंग क्रेस्ट, एक लेयर दूसरा लेयर, एंड दैट इज वाई वी फॉर्म द जर्नी ऑफ रेमेडी की ऐसा था ऐसा हो गया. सो वाइल अ जर्नी हमें कभी भी मिल सकता है ये शेड. दैट इज वाई वी शेड से दैट देयर आर वेरियस शेड्स ऑफ दिस मेडिसिन. ओके, सो आई विल जस्ट टू स्टार्ट टू एड विथ आई विल से इट इज वन ऑफ द रेमेडी स्टॉलवर्ड्स ने कहा है दैट इट्स अ हिस्टेरिकल रेमेडी. सो वॉट इज अ हिस्टेरिया ऑफ सेपिया, या हम हिस्टेरिकल रेमेडीज को कैसे डीडी करेंगे, दैट वी विल सी. यस, तो पहले हम जानेंगे कि सीपीआर हमें बेसिकली कैसे मिलती है, कैसा बेसिक नेचर होता है. हमने सिर्फ सीपीआर में यही सुना है कि इंडिफरेंस टू फैमिली, इंडिफरेंस टू चिल्ड्रन, ठीक है, एंजाइटी चिल्ड्रन, ये सब एंट्री पॉइंट्स है हमारे सीपीआर के. पर बेसिकली सीपीआर बहुत ही चीयरफुल वाइवेशियस गर्ल, लेडी या मेल हो सकता है. मोस्टली दिस इज अ हमारा एक ये एम है कि हमें कोई भी रेमेडी को जेंडर से डिफरेंशिएशन नहीं करना है कि भाई सीपीआर फीमेल ही है और ऑरम मेल ही है, है ना. इससे क्या होता ना, हमारे माइंड में एक मैसेज जाता है हमेशा, सबकॉन्शियसली हम फीमेल में ही सीपीआर ढूंढते हैं और मेल और मेल में ऑरम ढूंढते हैं, है ना. तो ये वाइस वर्सा भी हो सकता है. सो वी शुड नॉट बी अ प्रिजुडाइज्ड ऑब्जर्वर. यस, सो बेसिकली सीपीआर हम देखेंगे कि सीपीआर कई बार इनिशियल स्टेजेस में जब एलिमेंट्स फ्रॉम में नहीं आती है, जब सफर नहीं होती है, तो बहुत ही चीयरफुल वाइवेशियस गर्ल होती है, डांसिंग वाली होती है और अम्यूजमेंट डिजायर वाली होती है, है ना. और यस, तो ये जो शेड है ना, हम लोग इस शेड में कई बार हम सीपीआर को लेकेसिस प्रिस्क्राइब करते हैं या बेलेडोना प्रिस्क्राइब करते हैं, है ना, क्योंकि फ्रिवोलस में भी सीपीआर है जैसा बेलेडोना है, लेकेसिस है ना, सीपीआर भी फ्रिवोलस वाइवेशियस. सो फ्रिवोलस वाइवेशियस एंड अम्यूजमेंट डिजायर विल गिव क्लोज टू लेकेसिस. यस, एंड शी इज इंट्यूटिव, सिंपैथेटिक, सेंटिमेंटल, कंपनी डिजायर, अगेन बेनेवोलेंस एंड इंटेलेक्चुअल. तो ये स्मार्ट गर्ल है, इसीलिए हमें लेकेसिस और बेलेडोना जैसी लगती है. ओके, द इंटेलेक्ट ऑफ सीपीआर इज वेरी इंपॉर्टेंट. द रेमेडी आई फील बहुत ज्यादा इंटेलेक्ट होने के वजह से दिस रन्स थ्रू एंड थ्रू. सो यू विल फाइंड दैट शेड ऑल्सो इन द स्टार्ट ऑफ जर्नी और मिडल ऑफ जर्नी और एंड ऑफ जर्नी. सो रूब्रिक विच वी पिक वाइल द ऑब्जर्वेशन शुड रन थ्रू एंड थ्रू द केस. यस, सो सीपीआर के साथ कैसा होता है ना, एक सीपीआर लेडी जैसे ये चीयरफुल वाइवेशियस गर्ल जब या मेल
या फीमेल जब अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी में या इन मैरिज में आते हैं तो उनको ये फीलिंग होता है कि अगर प्यार का मतलब क्या है ना, तो प्यार मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ड्यूटी, ये उनको ऐसा फील होता है। तो हमारे पास एक बहुत अच्छा रूब्रिक है सीपिया का, अफेक्शन कैनॉट डिमॉन्स्ट्रेट। ओके, इसका मतलब क्या कि इसे अपना अफेक्शन दिखाना नहीं आता, ये कुछ अलग फॉर्म में दिखाती। अफेक्शन मतलब क्या, हमें गले लगना या सामने से जो मिल रहा है हमें उसे वापस देना, है ना। अफेक्शन मतलब प्यार दिखाना, है ना, पर ये इसका दिखाने का तरीका अलग है। Actually, sepia takes everything, we say that morbidity of remedy है, तो वो responsibility और duty में फंस गई। At sir said कि अब love है, love for children has sepia, maternal instinct exaggerated had sepia, but still she rejects the affection. There is a rubric that I think it's a single remedy rubric that yes. affection rejects. Complete repertory has. तो love for children होने के बाद मैटरनल इंस्टिंक्ट होने के बाद भी अफेक्शन को रिजेक्ट करती है और एज सर सेड दैट इट कैन नॉट डेमोंस्ट्रेट। यस, तो सीपिया को अपने परिवार को खुश रखना ये एक उसका इज हर ड्यूटी ड्यूटी होता है ना। और ये एक और रूब्रिक में है डांसिंग विद द मार्क सेंस ऑफ रिदम। यस, है ना, मतलब मार्क सेंस ऑफ रिदम मतलब दूसरों के इशारों पे ये बरोबर नाचती है ना। जैसे पूरे परिवार है, सास है, उसकी देवरानी हो या जेठानी हो या हस्बैंड है, उसके देवर है, बच्चे है, ठीक है, जिसको जो हिसाब से सब चीजें चाहिए वैसा वो करेगी। Yes, जैसा वो चाहते हैं। It has a rubric, cares full of domestic affairs. Yes. Right? तो what is domestic affairs and what is duty of sepia? आई विल शेयर अ वर्जन ऑफ ओकेशन कि कैसे डांसिंग, इट हैज डांसिंग विद मार्क सेंस ऑफ रिदम एंड डांसिंग एम्बलरेशन ऑल्सो। यस, डांसिंग एम्बलरेट करने की वजह से व्हिच इज हर ड्यूटी, शी विल कीप ऑन डूइंग थिंग्स। कैसे कि सुबह उठना है, सी इट इज अबाउट डोमेस्टिक अफेयर्स। ओके, सो आई हैव इन-लॉज, आई हैव किड्स, आई हैव हस्बैंड, सो मुझे चाय बनाना है तो मम्मी जी की चाय अदरक वाली बनेगी। फादर इन लॉ की चाय बिना शुगर की बनेगी बिकॉज ही इज डायबिटिक एंड आई हैव टू मेक किड्स रेडी बाय 8 AM, उनका स्कूल बस आने वाला है 9 PM, आई हैव टू प्रिपेयर ब्रेकफास्ट। तो सीपिया विल डांस अकॉर्डिंग टू अदर्स रिदम, मतलब उन लोगों को जैसा चाहिए वैसे मेरे स्टेप्स होंगे। राइट, सो दिस इज एम्यूलेट्स हर बिकॉज दैट इज हर ड्यूटी। यस, तो ये क्यों होता है ना, सुबह उठते से सीपिया को एंजाइटी होती है, ये सब लोग मेरे से ये चाहते हैं तो मैं भी उनको ये दू, है ना। इसका एक रूबरी है एंजाइटी वेकिंग वाइल विच मेक्स हिम वॉक फास्टर, है ना, बहुत सबके लिए फास्ट काम करना। एंजाइटी वेकिंग मतलब उठने पे ही एंजाइटी की ओ गॉड इट इज 6:15, 6:30, ये कॉमनली हम हमारे इसमें भी और हमारे आसपास की लेडीज में भी देखते हैं कि वी नॉर्मली से कि मुझे रात को नींद ही नहीं आती क्योंकि मुझे सुबह काम क्या करना है, मैं यही सोचती रहती हूँ। सो दिस इज एंजाइटी वेकिंग। ओके, एंड व्हाट इज अदर पार्ट ऑफ रूब्रिक, विच मेक हिम वॉक फास्टर, वॉकिंग फास्टर यहाँ से वहां बिकॉज ऑफ एंजाइटी, बिकॉज ऑफ डांसिंग। यस, सो यहाँ ना सीपिया, वन मोर रूब्रिक आई वुड लाइक टू एड, बिकॉज ऑफ दिस शी हैज फील दैट डेलिरियम आर्म्स एक्सटेंडेड। यस, ओके, यस, मतलब शी इज इन दिस डेलिरियम कि मैं ये भी कर लूंगी, मैं ये भी कर लूंगी, मैं यहाँ भी पहुंच सकती हूँ, माय आर्म्स आर सो मच एक्सटेंडेड। ओके, सो दिस इज अ डेलिरियम स्टेट ऑफ सीपिया। यस यस, मतलब वो डेलिरियम मतलब क्या होता है, अपने ट्रैक से भटक जा, उतर जाना, डीरेल्ड, मतलब वो उसको ऐसा फील होता है कि मैं आर्म्स एक्सटेंड मतलब कितना दूर के काम फास्ट कर सकती हूँ और कहां तक पहुंच सकती हूँ, ये दोनों उसमें आ जाएगा, है ना। अब ये स्टेज में आने के बाद सीपिया को क्या फील होता है ना कि यार इतना मैं करती हूं और जब सामने से उसे इतना रिवर्स में एक्सपेक्टेशन सबको होते है ना, तो ये जरूरी है कि
जैसे मैं क्विक हूं तुम्हारे लिए, यह सब पूरी तरह ध्यान रख रही हो, केयर कर रही हो हर एक चीज का, घर है ना, तो यार मैं रात को थक जाती हूँ, जरा मुझे कोई एक जग पानी तो लाके दे दो, है ना, जब मैं थक जाती हूँ। तो जब ये चीज नहीं मिलती है उसे, तब वो बीमार गिरती है, है ना। या इतना करने के बावजूद भी सामने वाला कोई रिस्पॉन्स नहीं देता, या उल्टा उसको गाली देता है, या चिल्लाता है, या इसको अब्यूज करता है, तब सीपिया वॉयलेंट हो जाती है, कई बार एब्रप्ट हो जाती है। यस, एंड हियर शी गेट्स एलिमेंट्स, बहुत सारे एलिमेंट्स है सीपिया को, इससे ये जो हो रहा है वो एक्सेसेस हो रहा है इसके साथ। सो देयर इज एलिमेंट्स फ्रॉम सेक्सुअल एक्सेसेस, ailments from sexual abuse, ailments from sexual abuse in marriage, okay, and ailments from domination. Yes. इतना होने के बावजूद भी उसे ऐसा फीलिंग रहता है, एंजाइटी होती है कि मैं ये परिवार को जोड़ के रखू, है ना, पिरो के रखू, दिस इज एंजाइटी सीविंग। Yes. That as we say that we have a why behind every say, कि ये ऐसा क्यों है, हर how के पीछे एक why होता है। तो why CPI is in delusion poor, okay, so उसका anxiety है that sewing, sewing means what sir will explain. Sewing मतलब क्या होता है, जोड़ के रखना सबको, है ना, सब ठीक रहना चाहिए। और CPI का basic feel क्या है ना, उसे बहुत concern होता है कि social position उसका कैसा है, है ना, fear social position में है, social position concerned about है, इसीलिए उसे ऐसा हमेशा फीलिंग होती है कि कहीं मेरा नाम खराब नहीं होना चाहिए, है ना, इसलिए सब वो सबको जोड़ के रखने की कोशिश करती है, और इसीलिए बहुत एंजाइटी रहती है उसे, ऐसा लगता है कि मैं सब कर लूं, सब जगह पहुंच जाऊं। एक मेरी पेशेंट है, उसे माइग्रेन था, यस, तो सीवियर माइग्रेन, सीवियर, तो मैंने उसे पूछा कि क्या इशू है यार, देखो लाइफ में क्या प्रॉब्लम है। अच्छा, ऑलरेडी वो एलोपैथी ले चुकी थी, फिर भी ठीक नहीं हो रहा था, फिर अपने पास आई तो बोले, सर मेरे हस्बैंड है ना, वो थोड़ा सा कम कमाते हैं, है ना, पर मेरी इच्छा है बहुत है, है ना, एनवी विद एविडिटी में है सीपिया, ठीक है, वो देखती है कि मेरी फ्रेंड वहां पहुंच गई, ये यहां पहुंच गई, इसके घर पे, इसके पास बंगला है, इसके पास रूम है, चार रूम का घर है ना, इसका फ्लैट ऐसा है, ठीक है, तो इसे भी वही फीलिंग था कि मैं भी एक अच्छे घर में जाके रहूं, है ना, तो इसके लिए वो घर भी पूरा, सुबह 6 बजे उठना, पहले खाना बनाना, 8 बजे तक, 9 बजे तक बच्चों को रेडी करके भेज देना, 10 बजे जॉब पे जाना, जॉब से शाम को 6 बजे आना, 6 बजे आके फिर से खाना बनाना, ठीक है, फिर बच्चों को पढ़ाना, ये करना, और पूरा थक जाना, है ना, और इसके बाद इतना करने का बाद सीपीआई को एक्सपेक्टेशन रहता है, तुम मेरी एक बात नहीं सुन रहे, हा? मैं चाहती हूँ कि तुम ऐसा करो, ये मत करो, हस्बैंड को बोलेगी, तुम बराबर से काम करो, खुद टाइम पे जाते जाओ, है ना, उसको ये रहता है कि मैं भी मिलकर करूंगी तुम्हारे साथ काम, है ना, पर जब हस्बैंड सुनता नहीं है, ठीक है, टाइम पे काम पे नहीं जाता है, उसके हिसाब से नहीं करता, एंगर कॉन्ट्राडिक्शन में है, कॉन्ट्राडिक्शन इंटॉलरेंट में, उसे बर्दाश्त नहीं होता, तो फिर उसका यहाँ हेडेक होता है। ये जो उसका भागना है सुबह से शाम, इवन वी हैव सिमिलर, आई हैव द सिमिलर केसेस की अभी घर बंधा है हमारा, सो हस्बैंड इज अर्निंग लेस और हस्बैंड इज अ ड्रंकर्ड, तो आई गेट अप एट द 7, डू हाउस होल्ड कुकिंग, देन गो ऑफिस, देन कम बैक एट 6, देन घर का काम करना, सो क्यों करना इज, जब पूछते हैं तो शी सेज की EMI है, बच्चों का फीस है, ये है वो है, तो वी हैव अ ब्यूटिफुल रूब्रिक, she has a delusion that she could easily strain herself. Yes. And because of this easily strain herself, she goes into the pathetic state. Yes. The poor lies here of sepia within herself. Yes. Ki pathetic, delusion, poor, and why? For because she has a fear of poverty. Yes. है ना? तो ये जो fear of poverty है, ये इसे इतना काम करो। और ये पैथेटिक कंडीशन में इसी वजह से जाती है। When we hear this says we normally used to prescribe arsenic or things, so we will discuss that in further video.
कि ऐसा क्यों. नॉर्मली वी यूज टू गिव सीपिया एंड एमएम में हम पढ़ते थे और कॉलेज में हम फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में पढ़े कि प्रोलैप्स. यस प्रोलैप्स. सो व्हाट इज प्रोलैप्स इज दिस कि वेरी ब्यूटीफुल तुमने इतना एग्जर्ट कर दिया यू हैव स्ट्रेन्ड योरसेल्फ सो मच द डिल्यूजन शी हैज कि शी कैन स्ट्रेन हरसेल्फ दैट लीड्स टू द लेवल ऑफ प्रोलैप्स. प्रोलैप्स इज यस प्रोलैप्स इज गिव अप. नाउ आई हैव गिव अप है ना. Indifference to family, aversion to husband, aversion to family member. Indifferent to loved ones. Indifference to loved ones. मतलब cares and maternal instinct वाला remedy indifferent तक जा रहा है. Because yes. and there is lying the pathetic stage of yes. sepia. है ना? तो sepia को हमेशा ये feel होता है delusion, family will starve. Yes. है ना? And also fear of starvation. Yes. तो इसी कारण से अपनी परिवार की चिंता करते हुए बच्चे की चिंता करते हुए वो सब सह लेती है. हस्बैंड की गाली सह लेती है, मार सह लेती है एक लिमिट तक है ना. क्योंकि एंजाइटी ट्रिपल्स अबाउट में भी है. yes. छोटी छोटी चीजों को भी शी विल टेक केयर ऑफ टू द लेवल ऑफ गेटिंग प्रोस्ट्रेटेड है ना. पर डिसअपॉइंट भी हो जाती है प्यार में कि यार मैं इतना करती हूँ फिर भी ये रोज दारू पी के आता है, रोज ठोकता है रोज ठोकता है. But then she bears. हाँ, वो बेयर करती है अगेन बिना इच्छा के. This is contradictory action to his intentions. Yes, this is very important. Because जो भी वो कर रही है, it is very beautifully mentioned in Catherine Colter. There are many shades, distinct phases where you can see sepia. As we see the worn out housewives, yes. As we see a career woman, okay, and also ये सब क्यों होता है? Because she is not able to decide because of this contradictory thing which is going on. Yes, है ना? So यहाँ क्यों सहती है sepia? क्योंकि उसे ऐसा feeling होता है कि यार मैं इन्हीं के भरोसे तो हूँ. मेरा परिवार को प्यार देने का मतलब क्या है? ये सहना. Because she is dependent. This is because she is in self-control increased. वो इतना सह लेती है. Okay? And undertaking things opposed to his intentions. जो उसे intention नहीं है, मैं नहीं चाहती यार. एक टाइम ऐसा आता है परेशान हो जाती, नहीं चाहती काम करना आज, नहीं चाहती बच्चों को पढ़ाना, नहीं चाहती कि हस्बैंड को खाना दिया. और क्या करें? There's a very beautiful rubric. Handle things cannot anymore. Overwhelmed by stress. And इसमें और एक addition है in women which has only 5 remedies. मतलब overwhelmed हो गया, stress इतना ज़्यादा हो गया prolapse के level तक. मैंने इतना bear कर लिया. That is why it gives a very close running rubrics. Weary of life during perspiration. Okay, weary of life, morose. Yes. Discontented. इसलिए हम लोग जब हाउ ऑफ सीपिया देखते हैं तो हम बोलते हैं बहुत चिड़चिड़ी आएगी, बहुत रोती हुई आएगी, बहुत डिसकंटेंट आएगी. तो वाई बिहाइंड दिस मोरोज, वाई बिहाइंड दिस सैडनेस, वाई बिहाइंड दिस इरिटेबिलिटी इज दिस दैट शी इज डूइंग व्हाट शी इज नॉट विलिंग. यस है ना. तो यहाँ ये सीपिया जो है ऐसी कंडीशन में आ जाएगी जहां वो कुछ नहीं कर सकती. सिट इन इंक्लिनेशन टू सिट एंड वीपिंग है ना. और हेल्ड डिजायर टू हेल्ड. अब चाहती है कि मैं तो तुम्हारे ही भरोसे हूं, क्या करोगी है ना. और इसीलिए यहां उसे फील होता है कि ये घर घर नहीं रहा. होम सिकनेस. दैट इज व्हाई अलोन इन द ग्रेवयार्ड. यस. देन मुझे मरने को छोड़ दिए. व्हाट इज ग्रेवयार्ड? व्हाई दिस रेमेडी इज इन ग्रेवयार्ड? यस. ग्रेवयार्ड मतलब क्या? जहां इमोशंस नहीं होते, जहाँ मुर्दे पड़े, मेरे आसपास सब मरे हुए हैं, जिनको कोई फीलिंग नहीं है. मैं सुबह 7 बजे से काम कर रही हूँ पर इनको मेरे, मुझे ये भी नहीं पूछना कि तूने चाय पी क्या. सो दिस इज द फील. दैट इज व्हाई वी से द प्रॉब्लम स्टार्ट्स व्हेन देयर इज नो रेसिप्रोकेशन. सीपिया लैंड्स इनटू द ट्रबल व्हेन देयर इज नो रेसिप्रोकेशन. यस. सो दिस इज कनेक्टेड रूब्रिक डिल्यूजन एम्प्टीनेस ऑफ अगेन विद द ग्रेवयार्ड. एम्प्टीनेस मतलब सब खाली है जिंदगी.
बट ऐसा क्यों होता है? वी शुड ऑल्सो थिंक ऑन द लेवल ऑफ आईपीआर कि इतना करने वाली लेडी भी हाँ क्यों इसको नहीं मिलता, बिकॉज शी इज इंटेलेक्चुअल. उसके लिए ड्यूटी है, उसके लिए ड्यूटी है चाय बनाना, उसके लिए ड्यूटी है स्कूल भेजना. सो देर इज दैट दो देर इज लव फॉर चिल्ड्रन बट शी इज सो मच ड्यूटी कॉन्शियस कि उसका वो लव छुप जाता है और वो आईपीआर समझ नहीं पाता है. करेक्ट है ना. तो उसे इसका इश्यू क्या है ना, इसको ना लव एक्सप्रेस करना नहीं आता. कैनॉट डेमोंस्ट्रेट. यस, इसीलिए इसका शायद आईपीआर इससे खुश नहीं होता, कनेक्ट नहीं हो पाता, कनेक्ट नहीं हो पाता, खुश नहीं हो पाता. यस, है ना. सीपीआई जो हमने ये बताया, ये टोटल इसमें क्या हुआ ना, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकिंग टू सीरियसली, ये बहुत स्ट्रॉन्ग होता है इसके अंदर, एंड ड्यूटी टू मच सेंस ऑफ ड्यूटी एंड डांसिंग, ये तीनों चल रहे हैं कंटिन्यू साथ में, है ना. शी विल गिव अप, शी विल गो इनटू द इनडिफरेंट स्टेट. यस, एंड शी हैज एंगर विद हिमसेल्फ एंड अदर्स. जो इतना इरिटेबल स्टेट उसका आता है, उसको खुद से भी गुस्सा है एंड अदर्स से भी. इट इज अ सिंगल रेमेडी रूब्रिक, सो वी हैव टू गिव मोर वेटेज कि एंगर उसको इतना ज्यादा है खुद से भी और दूसरे भी, दूसरे से भी. एंगर वॉयलेंट जेस्टर्स विद, she will show her anger. Yes. And landing to the indifferent to loved ones, aversion to husband, duty too much sense of duty, dancing से she will go to indifference, duty no sense. Yes. She is also in duty no sense. Yes. मतलब I have done so much for this, मैंने इनकी शादियां किया, मैं इनके साथ मैंने I have done everything for them, but now I give up. I don't want to do whatever you want. I will just, there is a rubric, indifference lies with eyes closed. I don't want to see what is going on. Yes. यानी ऐसा समय आएगा कि वो पड़ी रहेगी पर देखेगी भी नहीं किसी, है ना, क्या हो रहा है. बट सीपीए की क्या खास बात है ना, जैसे अगर उसे पसंद नहीं आ रहा है आज या वो गुस्सा है, ठीक है, लेकिन वो खाना जरूर बनाएगी. दिस इज ड्यूटी, है ना, और खाना बना के रख देगी. बाकी हस्बैंड आएगा, वो लेगा और खाएगा. दिस इज इंडिफरेंस लाइज विद आईज क्लोज्ड, है ना. यहाँ वो देखेंगी भी नहीं उसने खाना खाया कि नहीं खाया. उसका ड्यूटी है खाना बनाना, इसने खाना बना लिया, है ना. ये स्टेज पे शी कम्स बिकॉज देयर इज आल्सो अ रूब्रिक दैट शी इज नेग्लेक्टेड. डिल्यूजन नेग्लेक्टेड ही और शी, क्योंकि यू हैव नॉट गिवन मी दैट प्राइम इंपॉर्टेंस. Okay, but still I am working for you, still I am dancing. Yes. Because she is in a rubric, delusion, she is on a mission. Yes. So what is mission of sepia? We will see. Yes. Okay, so we need to understand what is mission of sepia. Huh. And for that we need to understand what is mission. Yes. Okay, so what is mission? Mission yaane, jab hume ek aisa लक्ष्य मिलता है जो कोई नहीं करता और मुझे करना है ना. जैसे कि हमने मिशन मंगल मूवी देखी है, मिशन कश्मीर है ना. जब कोई चीज हमें दूसरों ने नहीं किया वो हमें करके दिखाना है. सो मिशन इज नॉर्मली कम्स फ्रॉम दिस वर्ड इन द आर्मी और नेवी कि जहां देयर इज सम टास्क given to you, yes. where you have to accomplish that task. मतलब जो काम हमको दिया हुआ है वो हमको पूरा करना है. और मिशन हमेशा न्यू होता है. And mission में हमेशा there is nothing for us, yes. but for the others. Yes. मतलब mission Kashmir is to conquer the Kashmir. Mission yes. Mangal is to conquer the Mangal. Every time new. Yes, and every time for everybody else. Yes. That is why the benevolent sepia yes. will work. Will rest cannot will be dancing with the marked sense of rhythm. Yes. Okay. यानी जब तक सब चीजें सब रिश्ते सब लोग खुश नहीं हो जाते, सब रिश्ते ठीक नहीं हो जाते, जब तक मेरे वीक जॉइंट्स को मैं सीव ना कर लूं. Yes. ताकि मैं पॉवर्टी में ना चले जाओ. So, जब तक मेरा घर वाले सब खुश नहीं हो जाते, मेरे पैसे उतने जमा नहीं हो जाते मेरे बच्चों के लिए, तब तक मैं काम करूंगी जब तक मैं प्रोस्ट्रेट ना हो जाऊं, जब yes. तक मेरी एनर्जी ड्रेन ना हो जाए. सो दैट इज द मिशन शी इज वर्किंग फॉर. ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला पार्ट है ना, इसमें उसका हाउ कैसा होता है वो भी देखेंगे कि उससे
अपने वर्क में बिल्कुल भी लेट होना पसंद नहीं है, और वो तब तक नहीं बैठ सकती जब तक के सब चीज प्रॉपरली हर जगह पे आनी जाती उसके अकॉर्डिंगली. दैट इज रेस्ट कैन नॉट व्हेन थिंग्स आर नॉट इन प्रॉपर प्लेस. फास्टिडियस एंड सीपीआ इज इन रेस्ट एग्रेवेशन. यस, है ना. हाँ, उसे बिल्कुल भी बैठना पसंद नहीं है. ऑक्यूपेशन एम्यूलेशन, है ना. और इसी कारण से सीपीआ इतने पैथेटिक कंडीशन में आ जाती, इतना करती और डिस्पेयर अबाउट मिजरेबल एग्जिस्टेंस में जाती. तो इतना करती हैज अ रूब्रिक इज वेदर थंडरस्टॉर्म ड्यूरिंग एम्यूलेशन. मतलब इसको हम कैसे समझेंगे मेटाफोरिकली, यू नो व्हाट इज थंडरस्टॉर्म एंड आल्सो वन फियरफुल थंडर्स एंड लाइटन्स. मतलब व्हेन इट इज थंडरस्टॉर्म यू डू नॉट नो, इट इज नॉट प्रेडिक्टेबल. और थंडरस्टॉर्म हैज लाइटनिंग, इट हैज साउंड, जहां नॉर्मली लोग डर जाते हैं. सो व्हाट इज थंडरस्टॉर्म? व्हेन एन अनएक्सपेक्टेड थिंग हैपन दैट यू हैव प्रिपेयर योर चाइल्ड फॉर अ टेस्ट विच यू आर नॉट, you have to go to a occasion where you were not prepared, you yes. have to welcome 20 guests at a time. to ye thunderstorm hai, par isko isme bada maza aata hai. because she cannot rest karne se usko takleef hoti hai and she likes to take this. yes, kyunki yahan wohi rubric dono judte hai ke she has extended arms. yes, hai na, use ye feeling hota hai, isliye wo yahan cheerful hoti hai. तो मैं कर सकती हूँ. दिस इज क्लोज टू हाई स्पिरिटेड. यस, आल्सो क्लोज टू कार्सिनोसिन. यस, आल्सो क्लोज टू कार्सिनोसिन, क्योंकि कार्सिनोसिन के अंदर भी सिमिलर रूब्रिक से ये रूब्रिक है, वेदर थंडरस्टॉर्म लॉस, है ना. सो गाइस, द नेक्स्ट शेड ऑफ सीपीआ वी विल सी इन नेक्स्ट वीडियो पार्ट 2. स्टे ट्यून्ड. स्टे ट्यून्ड. थैंक यू.